Oh, very good morning, students. Today we are going to discuss about the law of the refraction by using the Huygens principle. Last time video में हमने क्या discuss किया था? Law of refraction. किसका use करके Huygens principle का? तो उसी को law का use करेंगे. But किसको prove करेंगे हम? Refraction को use prove करेंगे. ठीक है? तो यहाँ पे देखो, we will consider this is the wave. ठीक है? Waves is coming from here. So ऑब्वियस ही बात है कि अगर यहाँ पे एक मैं पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ तो वेव ये क्या बनाएगा मेरे पास एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल वाइब्रेट इन द सेम फेस वो सारे के सारे क्या करेंगे सेम फेस में वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल ए और यहाँ पे बी दिस इज कॉल्ड द वेवलेट्स ठीक है ये वेवलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जितने पार्टिकल्स होंगे सारे सेम फेस में जो है वो वाइब्रेट करेंगे अब देखो This is called the rare medium and this is the denser medium. Rare medium का refractive index मान लेते हैं हम और denser medium का है into. Obviously बात है whenever the ray of light will enter in the denser medium क्या होगा? This ray of light यहाँ पे perpendicular draw कर लेते हैं. This ray of light will bend towards the normal. तो ये ray of light जो है वो bend होगी किसकी तरफ? Normal की तरफ. यहाँ से यहाँ तक. फिर बात अब बेंड होगी तो देखो दोनों पार्टिकल सेम फेस में है ठीक है ये पार्टिकल पहले डेंसर मीडियम के पास पहुंच गया और ये पार्टिकल अभी नहीं पहुंचा है तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा क्योंकि ये है रेयर मीडियम में तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी मान लेता हूँ कितनी है बी वन और इसकी टी मान लेता हूँ ठीक है वेलोसिटी कितनी है बी वन टी या चलो इसको बी टू लेते हैं ये बी टू है और यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इट विल वाइब्रेट यानी कि अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा समवेयर है तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसकी वी वन टी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है मतलब अब ये जो दो डिस्टेंसेस जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो में किया था रिफ्लेक्शन के केस में कि दोनों डिस्टेंसेस क्या थी बराबर थी बट यहाँ पे बराबर नहीं होगी क्यों नहीं होगी देखो इसके पीछे रीजन क्या है दिस पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन द रियर मीडियम बट दिस पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन द डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या होता है रे ऑफ लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है इसलिए हमने इसको किससे नोट कर दिया वी वन से यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी नॉट इक्वल टू दिस डिस्टेंस से बी से सी तक जो पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ पहुंचेगा इट विल नॉट हैव द सेम डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर नहीं होंगे समझे रही बात ये ठीक है क्यों क्योंकि जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो बी टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा जबकि ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो बी टू टी टाइम में इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है ठीक है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी और ये कम होगी सो वी विल प्रोड्यूस द वेवलेट्स फ्रॉम हियर ठीक है यहाँ से हम इस ये वाइब्रेशन का स्फीयर जो बनाया हमने ए के लिए तो यहाँ से हम वेवलेट्स ड्रॉ कर लेते हैं ये हमने वेवलेट ड्रॉ कर ठीक है तो जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो ये भी क्या होगा रिफ्रैक्ट होगा यहाँ से इस तरफ चलेगा ठीक है जैसे ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है क्लियर हुई बात की तो ये एक वेवलेट्स कंस्ट्रक्ट करेगी ठीक अब ये एंगल क्या है हमारे पास दिस एंगल इज आई कितना है आई तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा जैसे हमने लास्ट टाइम कैलकुलेशन की थी सेम ये एंगल क्या बनेगा आई के इक्वल बनेगा एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल भी कितना बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव दैट दिस पॉइंट एज अ नेम ऑफ द टी टी पॉइंट नाम देते हैं इसमें तो यहां पे ये वाइब्रेशन क्रिएट हो रही थी ठीक है नाउ सी हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंगल एंड आर एंगल बाय यूजिंग द ट्रायंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल यूज करेंगे भाई देखो पहले हम ट्रायंगल यूज करेंगे यहां पे मैं पूरी और रेड लाइन बना देता हूं ये एक ट्रायंगल बनी मेरे पास और ये बनेगी मेरे पास कंप्लीटली एक ये ट्रायंगल ठीक है जिसमें ये दोनों लाइंस जो शेयर हो रही है क्लियर बात है तो देखो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल यूज करेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का यूज करते हैं तो इसमें एंगल कितना आया है साइन ऑफ आई ठीक है अब देखो ये क्या है वेवलेट्स ये वेवलेट्स और ये वेव है तो दोनों के बीच का एंगल जो रहेगा हमेशा कितना रहता है 90 डिग्री का ठीक है तो क्या बनेगा साइन ऑफ आई दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो कितनी बन रही है भाई बी सी बन रही है बी सी अपॉन हाइपोटेनस कितना आ रहा है मेरे पास ए सी का काम कर रहा है हाइपोटेनस क्लियर बात है ठीक है तो बी सी की वैल्यू तो मेरे पास थोड़ी हुई है बी
BC is representing nothing but the distance traveled by this disturbance from B to C, that is equivalent to the B to T. Upward AC, AC will remain common for the both value. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ. ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास sin of phi की वैल्यू. उसी तरह से इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल यूज करेंगे अब हम, ए बी सी. ठीक है, इस ट्राइंगल का यूज करते हैं. तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना बन रहा है आर, और ये है वेवलेट्स, ये वेवलेट का वेव है इनकमिंग वेव, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का. सो आई कैन राइट इट एज sin of r will be equal to the perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये बेस साइन बनी, ये बना परपेंडिकुलर, यानी कि ए डी, और हाइपोटेन्यूज का काम किया किसने, ए सी. ठीक है, तो यहां पर वैसे लिख दो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू ए डी, ए डी की वैल्यू है बी वन इंटू टी अपॉन ए. कितना इक्वेशन नंबर टू, कितना इक्वेशन नंबर वन. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ बनाना हमने. ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ आई अपोन साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू द आई, आई की वैल्यू हमारे पास बी टू इंटू टी अपोन ए सी होल डिवाइड बाय बी वन इंटू टी अपोन ए सी, ए सी के साथ ए सी कैंसिल आउट कर, तो अल्टीमेटली वी गेट साइन ऑफ आई अपोन साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू द बी टू. अच्छा, यहाँ से टी के साथ टी भी तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बच्चा बी टू अपोन बी वन. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द, किसके इक्विवेलेंट होता है ये, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होता है, और ये कांस्टेंट किसके इक्विवेलेंट हुआ भाई, दैट कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द म्यू. ठीक है, ये म्यू नहीं लिखे हम इसमें सिंपल, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिख दें sin of phi upon sin of r, refractive index of the second medium with respect to the first medium. So, इसको इस तरफ ले जाते हैं, n1 sin of I is equal to n2 sin of r, which is nothing but it is the law of refraction. क्या है? Law of refraction, which is called the Snell's law. फिर बात ये, ठीक है, तो this is all about the law of refraction by using the Huygens principle.